कॉलेज के यूट्यूब चैनल में मैं माया सांकला सहायक आचार्य फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ SST सब्जेक्ट। लास्ट क्लास में हम लोग SST के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी जो शिक्षण विधियाँ थी उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षण विधि की जो प्रयोजना विधि जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे के चरणों के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो अर्थ जानने के बाद हम लोग को ये पूरी योजना कैसे बनाई जाती है वो एक चरणबद्ध रूप में होती है। जब भी कोई हम लोग काम करते हैं आपने देखा होगा कि उसका पहले एक है ना रूपरेखा तैयार की जाती है कि उस काम को कैसे करना है, उसको कितने लोग तैयार करेंगे, कौन कौन किसको किसको काम किस तरह से बांटा जाएगा और उस कार्यक्रम के लिए जो कहाँ से पहना आपने जो बजट होता है वो कहाँ से कलेक्ट करना होगा उसका सारा लेखा जोखा भी तैयार करते हैं। यानी बिना योजना के कोई भी कार्यक्रम हमारा वो सफल नहीं हो पाता है। सेम यही मेथड हमारे इस योजना विधि में भी लगता है कि जब भी हम लोग कोई योजना करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से चरण है, कौन कौन से स्टेप है जो हमें अपनाने चाहिए। अगर वो स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग परियोजना विधि को करते हैं तो ये परियोजना विधि जो होती है वो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में बहुत हमारी मदद करती है। क्योंकि आपको पता है कि ये सामाजिक वातावरण में पूरी की जाती है, यानी जो लोग होते हैं आपस में मिलकर सामाजिक वातावरण में किसी समस्या का हल इसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसका पहला स्टेप ये हो गया होता है परिस्थिति का निर्माण करता। कोई भी जो शिक्षक होता है इसका सबसे पहला काम होता है कि उसकी उस तरह की परिस्थिति दे बच्चों को ताकि वो कोई योजना बनाने के लिए तैयार हो जाए। यानी इसमें जो परियोजना विधि होती है इसमें मुख्य जो भूमिका होती है वो एक विद्यार्थी की होती है। पूरा काम है वो विद्यार्थी करता है कि उसका कैसे कार्यक्रम बनाना है, कैसे उनको क्रियान्वित करना है, वो सारा काम पूरा एक विद्यार्थी करता है। लेकिन जो उस तरह की परिस्थितियाँ तैयार करना ये एक वहाँ पर एक शिक्षक का काम होता है कि वो उस तरह की एक ना समस्या उत्पन्न करके दे बच्चों को ताकि वो जो बच्चे हैं वो जो विद्यार्थी हैं वो उस समस्या को हल करने के लिए तत्पर हो जाए। तो इसका पहला स्टेप ये होता है कि समस्या का निर्माण करता। जैसे पहले स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे परिस्थितियाँ उत्पन्न करना, यानी जो शिक्षक होता है वो बच्चों को ऐसा वातावरण दे यानी ऐसा समस्या विद्यालय भी एक ऐसी समस्या उनको दिखाए कि जैसे बच्चों के खुद तैयार हो जाए कि हम उस समस्या का हल ढूंढे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे विद्यालय है अगर उसमें बहुत जगह हमारे पास है तो उस विद्यालय में खाली जगह अगर कोई है तो और शिक्षक ये चाहता है कि उसमें हम लोग थोड़े से गार्डनिंग करें, बागवानी करें, तो बच्चों को उस खाली जगह में लेकर जाए वहाँ पर और उनको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि भाई ये खाली जगह है, इस जगह का हमें कुछ उपयोग करना है, लोग उसका क्या उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसका हुआ पहला चरण की परिस्थिति का उत्पन्न करना। उसका दूसरा स्टेप होता है परियोजना कार्य का चुनाव करना। यानी अब समस्या तो ये आ गई हमारे सामने कि हमें कि परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हमने, लेकिन परिस्थितियों को जानना कि अभी ये समस्या हमारे सामने किस प्रकार की समस्या है ये एक विद्यार्थी का काम होता है। ये समस्या को समझना, तो समस्या को समझना भी परियोजना कार्य का चुनाव माना जाता है कि ये कार्य समस्या मतलब हम लोग किस प्रकार करेंगे। जैसे वो जगह तो बता दी उन्होंने कि जगह का हम लोग बागवानी करनी है, लेकिन अब करना क्या है, क्या लगाना है बागवानी में, हम लोग फूल लगा सकते हैं, फ्रूट्स के पौधे लगा सकते हैं, ये काम करना वो विद्यार्थी का होता है। इसका तीसरा स्टेप होता है कार्यक्रम बनाना, अर्थात उस कार्यक्रम को जो हमने तैयार तो कर दिया लेकिन उस कार्यक्रम की रूपरेखा बनानी है हमें। रूपरेखा किस प्रकार बनानी है, कार्यक्रम में कौन आदमी क्या कार्य करेगा, इसको कौन सा काम दिया जाएगा, कौन सा व्यक्ति ना फूल लेके आएगा, कौन से सफाई करेगा वहाँ की और कौन कौन से फूल हम लोग को लाने हैं, जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो होता है इसका थर्ड स्टेप बनाना। सबसे मुख्य यही होता है अगर रूपरेखा तैयार हो जाती है तो हमारा काफ़ी कुछ का योजना भी दी है वो काफ़ी कुछ सफल हो जाती है। एंड फोर्थ स्टेप आता है इसका क्रियान्वयन करना, अर्थात इसका जो काम हम लोग ने लिया है, जो काम हम लोग ने इसकी योजना बनाई है उस योजना को क्रियान्वित रूप में करना, यानी प्रैक्टिकली उस काम को हमें कैसे करना है, किस किस से कौन सा काम करवाना है, ये इसका चौथा स्टेप होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप होता है जब काम हो जाता है, कोई योजना हम लोग बना रहे हैं, उसका कार्यक्रम चल रहा है, योजना भी बन गई है, वो क्रियान्वित भी कर दिया गया है, अब हमारा जो कार्यक्रम था वो जो समस्या से लेकर हम लोग जहाँ तक उस समस्या का हल निकाल लिए हैं वहाँ तक हमारा काम कितना सफल हुआ या कितना असफल हुआ है उसका मूल्यांकन करना, ये भी इसी योजना के चरणों में आता है। ये काम या तो हम विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से सलाह करके कर सकते हैं, एक दूसरे का मूल्यांकन करके कर सकते हैं, या जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो शिक्षक भी इसमें उनके बच्चों की मदद कर सकते हैं कि वहाँ जो काम आपने किया है वो कहाँ तक आपका सफल हुआ और उस काम में कहाँ आपकी कोई कमी रह गई है। एंड लास्ट काम होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं ये नहीं होता कि बहुत समय तक हमें वो काम याद रखे, इसके याद रहे इस कारण क्या होता है किसी भी काम को करने के बाद में हम उस चीज़ का लेखा जोखा रखते हैं कि किस व्यक्ति ने समस्या क्या थी हमारी, किस व्यक्ति ने कौन सा काम किया, कौन कौन क्या काम किया था और समस्या को लेकर समाधान तक मूल्यांकन तक
उसका जितनी भी क्रियाविधि जो होती है वो सारी क्रियाविधि हमें एक लेख के रूप में हम लोग उसमें लिखते हैं। तो ये हमें इसका एक जो परियोजना विधि जो होती है इसके स्टेप बाय स्टेप में चरण याद रखने जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभी एक प्रश्न आता है कि इसका पहला स्टेप कौन सा है, पहला चरण कौन सा है परियोजना विधि का, तीसरा चरण कौन सा है, छठा चरण कौन सा है, टोटल कितने चरण है, इसलिए पूछता है। इसलिए हमें जो इसके जो चरण है स्टेप बाय स्टेप सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। आपको ये उम्मीद है कि ये जो आपने जो चरण पढ़े वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। चरणों को समझने के बाद में हमें इसको इनके चरणों के बाद जानने के बाद में अब हम लोग समझेंगे कि इसका जो महत्व, इस विधि का महत्व क्या होता है। इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण का महत्व सबसे ये है कि ये करने के ऊपर बल देता है, यानी कार्य कर अनुभव के द्वारा सीखा जाता है। जो बच्चा होता है वो खुद करता है और करने के बाद में उसको जो अनुभव होता है उससे व्यवहार में उसके परिवर्तन होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बच्चे इस कार्य को रुचिपूर्ण तरीके से करते हैं, अधिगम में सरलता हो जाती है इसमें, और करके प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा बच्चा जो होता है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा इसमें सीखता है। अब इसके दो चार इसकी थोड़ी सी कमियां भी हैं। पहला तो ये है कि ये खर्चीली विधि है। दूसरा ये है कि ये जो स्कूल की ये जो परियोजना विधि जो होती है वो एक ना दैनिक कार्य में स्कूल का जो दैनिक वातावरण होता है उसमें पूरी नींद दे ही हम लोग इस परियोजना विधि को लागू नहीं कर सकते, नहीं तो दूसरी जो कार्य कर्म है जो विद्यालय के दैनिक वो उसमें रुक जाते हैं। ये हमारी परियोजना विधि बारे थोड़ी बहुत जानकारी थी। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।